Good morning, students. Today, I am going to explain the topic alkalis. Beta, question here, what is alkalis? Alkalis क्या होते हैं? देखिए कुछ बेस जो है बेटा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेस सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं जो बेस, वो एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट हियर दोस बेसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ओके, जैसे एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड व्हिच डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म द NaOH। ओके, सो वी कैन से दैट हियर Na2O is a alkali. Is a alkali. One more thing. Example here KOH, NaOH. Okay. K2O, Na2O, CaO. ठीक है, calcium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो ये सब क्या है बेटा? एल्कलीज। गॉट इट? आफ्टर दैट द न्यू टॉपिक जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यार, दैट इज टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस। Now listen, friend. Types of bases. Friend, bases are classified into two bases. First one is on the basis of strength. Second one is on the basis of acidity. Acidity के बेस पर भी हम लोग बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रेंथ। बेटा स्ट्रेंथ के बेस पर अगर देखा जाए तो बेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड वन इज वीक बेस। क्वेश्चन यार, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस? बेटा वो बेस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड फर्मेस लॉट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। या यू कैन से दैट द बेस हुज पीएच रेंज 11 टू 14, जिनकी पीएच रेंज 11 से लेकर 14 तक होती है, वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेटा दो बेसेस व्हिच प्रोड्यूसेस या व्हिच डिसोसिएट completely and produces large amount of hydroxide ion are known as the strong base। और strong base की जो pH range होती है वो 11 टू 14 होती है।
Now we face strength, strongness, just opposite of the weak face. We can say that those faces which dissociate partly and produces very less amount of hydroxide ion in water are known as weak ways. एग्जाम्पल बेटा स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है NaOH, KOH, LiOH, CaOH. Now weak base example NH4OH, NH4OH बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल MgOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस. दीज आर द वीक बेस. गॉट इट? सो वीक बेस, वीक बेस की जो पीएच रेंज होती बेटा वो 7 to 10 होती है. क्लियर? 7 to 7 वाला नहीं, 7 से अबव होना चाहिए. 7 तो न्यूट्रल होगा. 8, 9, 10. सो बेटा हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स. नाउ बेटा नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के बेस पर बेटा बेस जो होते हैं 3 कैटेगरी के, मोनो एसिडिक बेस, सेकेंड इज डाई एसिडिक बेस, और नेक्स्ट है ट्राई एसिडिक बेस. अब मोनो एसिडिक बेस क्या होते हैं? जिनकी एसिडिटी 1 हो, इनकी एसिडिटी 1 हो. तो दोज बेसिस हुज बेसिसिटी इज अबो एसिडिटी इज 1, और डाई एसिडिक में जिनकी एसिडिटी 2 होनी चाहिए, और ट्राई एसिडिक में जिनकी एसिडिटी कितनी होनी चाहिए? 3. मोनो एसिडिक का एग्जांपल है बेटा NaOH, और डाई एसिडिक का एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस, और ट्राई एसिडिक का एग्जांपल है MgOH का होल ट्वाइस. ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन. दीज आर द टाइप्स ऑफ बेसिस या क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस. सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स.